तो एक्साइटेड हैं आप इस फिल्म को और रेडी हैं आप इस फिल्म को लेकर तैयार हैं? अभी तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि फिल्म मैं बहुत क्यूरियस भी हूँ कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा फिल्म के को देखकर, एंजॉय करेंगे कि नहीं। वो थोड़ा सा मेरे में एक नर्वसनेस है, एक एंक्शियसनेस है, बट बहुत थका भी हूँ अभी पूरे फिल्म को लेकर। मतलब पूरा जो एक साल जो फिल्म बनाने में लगा, मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया हूँ, बहुत थका हूँ, तो बहुत नींद भी आ रही है। तो अभी मैं ये चाहता हूँ कि सब मेरा काम ख़त्म और मेरे हाथ से अभी फिल्म निकल गया है अभी, तो मैं जाके बस घर थोड़े जाके सोना चाहता हूँ, वो मेरा एक एजेंडा है। वरना हाँ, थोड़ा है, एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है। इतनी मेहनत की 4 सालों से हमने फिल्म बनाने में, लिखने से और बनाने तक, तो जाहिर है कि एक क्यूरियोसिटी रहेगी, ऑडियंस को पसंद आएगी कि नहीं, वो एक मैं देखना चाहता हूँ। बट एक 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 रिलीफ भी है कि ख़त्म हो गया, अभी सारा प्रोसेस हो गया मेरे, और अच्छा ही हुआ, खुश हूँ मैं फिल्म से, तो बहुत रिलैक्स भी फील कर रहा हूँ मैं। लेकिन सिड और परिणीति से हमने बात की, तो उनका ऐसा मानना है, उनका ऐसा कहना है कि ऐसी स्क्रिप्ट और 2-3 मिले तो हम बिल्कुल नहीं थकेंगे और हम और ऐसे काम करते रहेंगे। काफ़ी इंटरटेन और मतलब हंस हंस के काम किया उन लोगों ने, और काफ़ी मज़ा भी आया उन लोगों को इस फिल्म में काम करते। नहीं, मज़ा तो मुझे भी आया, हम सबको मज़ा आया, क्योंकि बहुत फिल्म है, फिल्म में बहुत मस्ती है, बहुत मजाक है, और तो काम करने के टाइम भी हम लोग हंसते रहते थे, जोक्स मारते रहते थे, और उनके जोक्स पे हम लोग हंसते थे, सीन्स को लेकर हम हंसते थे जैसे हम शूट कर रहे हैं। बट बहुत मेहनत जाती है फिल्म को लिखने में, ऐसे स्क्रिप्ट को लिखने में और बनाने में, और बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं ऐसे इसको ठीक करने में, तो मैं भी बहुत थक गया हूँ, तो अभी टाइम लगेगा ऐसा कुछ स्क्रिप्ट अगेन सोचने के लिए। बट बनाते वक्त बहुत मज़ा आया, पर लिखने में और जो चीज़ें होती हैं, जो 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 चीज़ें काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे जोक्स होती हैं, जो कॉमेडी होती है, वो जब तक आप ऑडियंस देखती नहीं है फिल्म को, हंसती नहीं है, तब तक हमको मालूम नहीं कि काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हमेशा एक थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि यार सही किया कि नहीं, गलत है कि नहीं, थोड़ा सा अच्छा हो सकता था कि नहीं, लोग हंसेंगे कि नहीं, हमारा ह्यूमर जो है लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं, वो एक बैक ऑफ द माइंड जो डायरेक्टर के दिमाग में टेंशन रहता है, वो हमेशा मेरे इसमें मुझे भी हुआ, राइटर को भी हुआ कि यार जो हम दोनों हंस रहे हैं, 100,000 लोगों को भी हंसना चाहिए उसी जोक पे। तो वो जो स्ट्रेस होता है वो हमें अलग सा स्ट्रेस होता है, बट हाँ मज़ा आया, और मैं भी चाहूँगा कि ऐसे स्क्रिप्ट्स वापस हम लिख पाए, और अगर ये फिल्म काम करती है तो ऐसे और फिल्में हम लिखें, और परिणीति और सितार जैसे एक्टर्स वापस मुझे मिले कि काम ना लगे और मजाक, और ऐसे लगे कि हम लोग खेल रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं और पार्टी चल रहा है सेट पर। तो जब ये स्क्रिप्ट आप लिख रहे थे पर्टिकुलर, तो आपके दिमाग में परिणीति थी कि हाँ स्क्रिप्ट के अनुसार ये परिणीति होगी या कोई और होगा, या पहले से बैकग्राउंड परिणीति का जैसे कि अच्छा है तो क्या सोचा था परिणीति ही होगी या कोई? नहीं, जब लिखा था, और जैसे हर डायरेक्टर और एक राइटर के मन में रहता है कि यार ये एक्टर मेरे किरदार को प्ले करना चाहिए, तो हमारे इसमें भी हमारे साथ भी परिणीति हमारी फर्स्ट चॉइस थी। हमें एक 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 कार्टून की ज़रूरत थी जो लड़की एक हीरोइन का रोल प्ले करे, बिकॉज इसमें हीरोइन का कार्टून ज़्यादा है, बहुत क्लाउन जैसे एक्ट करती हैं, बहुत मज़ेदार एक्टिंग है उनकी, बहुत कॉमेडी है, तो ऐसा एक्टर चाहिए जो कॉमेडी अच्छी तरह से कर सके, इमोशंस भी अच्छी तरह पुल कर सके। तो एक एक्टर की ज़रूरत थी हमें, बहुत अच्छे एक्टर की, ऐसे नहीं कि हीरोइन हीरोइन चाहिए जो सुंदर दिखती हैं, ग्लैमरस दिखती हैं, इसमें मतलब ऐसे कोई ग्लैमरस था ही नहीं, मतलब बहुत एक्टिंग ओरिएंटेड रोल था ये, तो एक्ट्रेस का होना बहुत ज़रूरी था, तो एक कॉमिक टाइमिंग होना बहुत ज़रूरी था, और मुझे ऐसी एक एक्ट्रेस चाहिए थी जो गर्ल नेक्स्ट डोर लगे, जो लगे लोगों की यार ये हमारे जैसी तो है, मतलब देखा गया है, हमने इसको देखा कहीं पर, मतलब ऐसा लगना चाहिए, ऐसे नहीं कि हीरोइन है इतनी परफेक्ट है, इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है कि हम लोग एसोसिएट नहीं कर पाए, मतलब बहुत गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप एक इमेज चाहिए था मुझे जो हीरोइन का जो भी एक्ट्रेस प्ले कर रही थी, और फ्रेश सा कोई फेस चाहिए था, कि ऐसे नहीं कि बहुत फिल्में कर चुकी हैं, कुछ नया लगे, कुछ नया फ्रेशनेस फील करें, तो ये सब जो रिक्वायरमेंट्स थी वो परिणीति में थी। और हमने सोचा कि यार ये परिणीति मिल जाए तो हमारा सारा काम आसान हो जाएगा, तो पहले से हम लोग ये चाहते थे कि परिणीति हमारी फिल्म करे। टफ तो कुछ था नहीं, मतलब मज़ा आया उनके साथ काम करने में, क्योंकि मैंने जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखा था तो मुझे लगा था कि सिद्धार्थ जो है बहुत अलग किस्म के आदमी होंगे, क्योंकि उनमें उसने अलग से किरदार प्ले किया था, बहुत ग्लैमरस थे, बहुत गुड लुकिंग थे, बहुत सीरियस टाइप के रोल किया था, और मेरा जो कैरेक्टर था निखिल का जो उन्होंने प्ले किया है, बहुत झल्ला किस्म का आदमी था, बहुत बहुत ही बात करता है, बहुत टेंशन में रहता है, बहुत स्ट्रेस में रहता है, तो मैं पहले सोचता था कि यार ये करेगा कैसा, पर जब मैं उनसे मिला, उनसे जब बातचीत हुई हमारी, तो मुझे लगा यार ये तो एकदम सही आदमी है, अलग किस्म का आदमी है, बहुत फ़नी आदमी है, बहुत अच्छी कॉमिक टाइमिंग है उनकी, एंड उनमें भी अंदर से डिज़ायर था कि कुछ अलग सा करें, जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर से कुछ अलग सा नया करें, कुछ एक्टिंग ओरिएंटेड करें, कुछ
डिफरेंट करें, लोगों को भी उनके एक्टिंग रेंज के बारे में मालूम पड़े, तो वो जो इंथुजियाज्म था मेरे काम का आया बहुत, क्योंकि मैं भी यही सेम चीज़ें चाहता था। तो जब उन्होंने हाँ करा मेरे फिल्म को करने के लिए, अग्री किया उन्होंने, और उनके पास भी काफ़ी ऑप्शंस थे स्क्रिप्ट्स के, पर उन्होंने ये स्क्रिप्ट जब सेलेक्ट किया तो मैं बहुत खुश हुआ और कॉन्फिडेंट फील किया कि इन्होंने ट्रस्ट किया मेरे को अपनी सेकंड फिल्म के लिए, क्योंकि एक्टर के लिए जो सेकंड फिल्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और उनका जो रिस्क है वो बहुत हाई रहता है कि फर्स्ट फिल्म तो चल गया, सेकंड फिल्म में बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती हैं ऑडियंस से, और उनका इस फिल्म के साथ जो रिस्क लिया उन्होंने कि जो अपने पूरे इमेज को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, जो जो इमेज खड़ा हुआ उनके स्टूडेंट ऑफ द ईयर को, उसको उन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय किया, तोड़ा और एक नया किरदार प्ले किया, वो एक्टर के लिए बहुत उनके लिए बहुत रिस्क है, उनको गट्स चाहिए ऐसे ऐसे एक डिसीजन लेने के लिए, और उन्होंने वो किया इस फिल्म के लिए। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने